माई हमनियों के खनवा ले आई। अरे ले नी ले। अरे दुल्हन कहाँ पड़ी हो, लौकत नहीं की? माई हम तो सोच ले रहे की आज भौजी के हाथ का खाना खाए के मिली। अच्छा नया नया दुल्हन आई बिया, अब वही ओकरा के जुलाहाड़ी में घुसा दी। खा तू लोग, हम ओकरा के खाना खिया क्या होता नहीं। दुल्हन आप किससे पूछ के अंदर आई? क्या आपको पता नहीं है कि किसी के भी कमरे में अंदर आने से पहले नॉक करके आना चाहिए? कहा करके आओ चाहिए दुल्हन? नॉक करके मतलब दरवाजा खटखटा के। माफ करा दुल्हन, रोज आवे जाए का आदत रहल, यही से ना बुझेल। आगे से दरवाजा खटखटा के आई। खाना रख दीजिए, खा लूंगी। बहू ये क्या बदतमीजी है, और ये खाना कहाँ फेंक देलू? ये कोई खाना है? ऐसे खाने तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। भाऊजी हमने यहाँ खाना इंसान खाती बनेला, अगर तोहरा कुकुर वाला खाना पसंद बा ना तो काल से खाना कुकुरे वाला बनी, का दिक्कत बा? किशन जवान संभाल के बात कर। देखा दुल्हन अन्न का अपमान ना कर जाला बिटिया, तोरा के खाना पसंद नहीं है तब काली से तोरा पसंद का खाना बना देवल करब। हाँ। कौनो जरूरत नहीं है अलग से खाना बनावे के, जेकरा के खाना पसंद नहीं है वो अपन खाना खुद बना ली। चाय बना तो ये बना करेला तो खाना कहाँ से बनी? देखो जुबान संभाल के बात करो, मैं इस घर में इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊँ, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। तुहार कहे के मतलब का बा भौजी? माई हमने खातिर खाना बनावे ले ते का हमनी का नौकरानी हो गई? वो तुम्हारी क्या है ये तुम ही जानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भौजी तोहरा का हमनी के बियाह के लिए बनी सा हमनी के भौजी कहले सा और ले बेटी कहला, और जब तक ले रिश्ता बा तब तक ले पूरा लेना देना बा। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तू देखा चाहे मत देखा, हमरा पर कोनो विशेष फर्क पड़े वाला नहीं के, लेकिन एगो बात कान खोल के सुन ला, तू ये घर के बहू हो और बहू जैसन रहे के परी। ओ तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे रहना है? सब सीखे के परी, केकरा से कैसन बात कर जाला और कैसन व्यवहार कर जाला। भौजी हम घर के मर्यादा के नहीं की भुलाई, न तो हाथ उठावे हमरो आवेले। किशन ये सब का होता? राम अच्छा हुआ कि तुम आ गए और तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया, देखा तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर वाले मुझसे कैसा कैसा बर्ताव करते हैं। हे बिटिया बिटिया बात सुना, बात क्या कीमत बढ़ावा, ऐसा छोट मोट बात था हर घर में होता रहला। ये छोटी मोटी बात है, सिर्फ थप्पड़ मारना ही तो रह गया था, बाकी सब कुछ तो कर ही चुके थे आप लोग। देख किशन ते सच सच बताओ का कह ली सब भौजाई का साथ? हमसे का पूछा था इनका से पूछा? अरे एकरा से का पूछी, एकरा तो एक दिन में डाबली घर में आईला, और देख तोरा के हम अच्छा तरह से जानता नहीं, तेही कुछ कही लोगबे। वाह भैया वाह, एक दिन में तू भौजी के तरफदारी करे लगला, हमने के इतना दिन के प्यार पर भौजी के एक दिन के प्यार भारी पड़ गई। राम बिना जानले सुनले तोहार हिम्मत कैसे भइल अपन छोटे भाई के ऊपर हाथ उठावे के? ई काम तो तोहरा करे के चाहिए बाबूजी, ई इतना देर से अपना भौजाई के साथ बदतमीजी करता, आज तू लोग बैठ के तमाशा देखा था रहा? अरे तमाशा के करता ई छोड़, ई तमाशा कहे होता ई हम अच्छा से जानता नहीं। बेटा तोरा ई घर छोड़ के जाए के बाना तो जा, बाकी जाए के बहाना मत खोजा। अरे कैसन बात करता नहीं राम के बाबूजी? अरे तू चुप कर, ई तोहार बेइज्जती कैले सिया तो हम चुप रहनी है, अपना दोनों देवर के बेइज्जती कैले सिया तो हम चुप रहनी है, ये हमार बेइज्जती कैले सिया तो भी हम चुप रहनी है। अरे बिना गलती के अपन छोट भाई के ऊपर हाथ उठा ले ये हम बर्दाश्त नहीं की कर सकत। बेटा तोरा रात के बात याद बानू कि तू हमरा से काब बोलला कि तोहार ससुर तोहरा के घर जमाई बनावल चाहता रहे, तो हम तोहरा से का पूछनी? तू का जवाब देला तो तू कहला कि बाबूजी से पूछ के बताए। अरे हमरा के तो तब पता चल गई कि तोहार मन में खोट बा, ना तो तोरा बाबूजी के आड़ के जरूरत ना पड़ी, अरे तू तो खुदे सीधा जवाब दे सकत रहला। पर ना ठीक बा तोहरा जाए के बा ना प्रेम से जा, पर हमारे एक बात याद रखिया, घर जमाई के हालत धोबी के कुत्ता से भी बदतर होला। लो अब तो इन्होंने तुम्हें कुत्ता भी कह दिया, फिर भी तुम यहाँ खड़े हो, न जाने कैसे मर्द हो। हाँ।
पायल दुली? पायल पायल